क्यों हंस रही हो निशा जी? डूबना पसंद नहीं, लेकिन पानी के बाहर मैं कोई काम की नहीं। पानी में जितनी देर रखो उतनी ही कड़क हो जाती हूँ, बुझो क्या? तुम चाहे जितनी मर्जी पहेलियाँ बुझा लो, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब हमारे पास हैं। और जवाब है चाय, जो तुम्हें अभी चाहिए। एक बात बताओ, ये क्या नया तरीका क्या है हमसे बात करने का? नहीं नहीं, ये तो आपकी भतीजी के लिए पजल्स बना रही थी, तो सोचा आपसे भी पहेली पूछ दूं। पहेलियां बुझाने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन उनके पीछे छुपी सीख हमें हमेशा याद रहती है। सवाल जवाब से मानसिक विकास होता है। सोचिए, अगर आप अपने बच्चों को रोज एक सरल पहेली बुझा दें, तो उसका जवाब ढूंढने में वो पूरा दिन कितना कुछ सीख लेंगे। आज हम बच्चों के लिए पजल्स बनाएंगे। पजल बनाने के लिए आपको चाहिए A4 साइज फोटो, फोटो के बराबर गत्ता, पेंसिल, गोंद, स्केल, कैंची। गत्ते पे खूब सारा गोंद लगा के फोटो चिपका दें और सूखने का इंतजार करें। अब स्केल और पेंसिल से फोटो पे सीधी और आड़ी टेढ़ी लकीर बना लें। कैंची से फोटो काट लें। पजल तैयार है। पजल के टुकड़ों को मिला दें, फिर इन्हें वापस जोड़ें। है ना मजेदार? पजल बनाना कितना आसान है। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार है। अब मेरी भतीजी तुमसे रोज पजल बनवाएगी, तैयार रहो। बच्चों का ध्यान बांधे रखना हर एक माँ के लिए एक चुनौती होती है, लेकिन बच्चों का सही मार्गदर्शन एक माँ ही कर सकती है। इसीलिए बनिए कूल मदर और बच्चों को तरह तरह की पहेलियों में उलझा कर रोज उन्हें नई सीख दीजिए।